जब हम देखेंगे कि आप अपने आईपैड की स्क्रीन को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे ही आपका आपका फ्रंट स्क्रीन है आपकी, आप इसको डाउन एरो करेंगे और यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन देंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा, जैसे पे आपको सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको 3-2-1 काउंटिंग के इस बार आपको ऊपर रेड बटन आना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है सिर्फ आपकी जो है वो स्क्रीन कैप्चर करेगा, आपको ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने का उसके लिए एक अलग से ऑप्शन है, वो भी बता देता हूँ। पहले आप उसको क्लोज़ कर दीजिए, जैसे ये रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी आपकी, अब आपको दोबारा से इसको डाउन करना है और इसको लॉन्ग प्रेस करना है। ये जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नीचे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और नीचे माइक्रोफोन ऑन आ रहा है। आप चाहें तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं, चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे इसको ऑन करके मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँगा, तो 3-2-1, तो अब जो रिकॉर्डिंग चल पड़ी है वो आपकी ऑडियो के साथ है। जो अगर मैं इस पे कुछ भी करूँगा और ऑडियो बोलूँगा मैं, इसके माइक में रिकॉर्ड होगा, वो आपकी स्क्रीन के साथ कैप्चर होगा और लाइव में रिकॉर्ड होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। चाहे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, हम इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग स्टॉप, देखो यहाँ पे आ गए, देखो जो ऑडियो के मैं, साथ है, जो अगर मैं इस पर कुछ भी करूंगा और ऑडियो बोलूंगा मैं, इसके माइक में रिकॉर्ड होगा, वो आपकी स्क्रीन के साथ कैप्चर होगा और लाइव। ठीक है गाइस, तो ये जो आवाज़ आया था वो आईपैड के थ्रू आ रही थी, जो भी मैं बोल रहा था पहले रिकॉर्ड कर रहा था वो वहीं से आ रही है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।